सीधे रुख करेंगे राजधानी भोपाल का, जहां पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमीदी अस्पताल पहुंचे हुए हैं। मंत्री विश्वास सारंग अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। भोपाल कमिश्नर कविंद्र कियावत भी मंत्री के साथ मौजूद हैं। हमीदिया में 3 मरीजों की मौत के बाद सरकार जागी है, प्रशासन हरकत में आया है। तो हमीदिया अस्पताल पहुंचे हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। मंत्री विश्वास सारंग अधिकारियों के साथ बैठक उन्होंने की है, अधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा की है। भोपाल कमिश्नर कविंद्र कियावत भी मंत्री के साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी मंत्री से चर्चा की। हमीदिया में 3 मरीजों की मौत के बाद सरकार जागी है, प्रशासन हरकत में आया है। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया, कैसी व्यवस्थाएं हैं वहां पर इसकी जानकारी ली। संभाग आयुक्त डीन समेत तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे और जो बैठक थी अधिकारियों के साथ वो बैठक हो चुकी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब मंत्री ने औचक निरीक्षण किया था हमीदिया अस्पताल का। डॉक्टर्स भी उनके साथ मौजूद थे, डीन भी मौजूद थे, संभाग आयुक्त भी मौजूद थे, कमिश्नर कविंद्र कियावत भी मंत्री के साथ मौजूद थे और जो उनकी बैठक थी वो पूरी हो चुकी है। बैठक निरीक्षण उन्होंने किया है, व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, क्या कुछ अव्यवस्थाएं हैं उनकी भी जानकारी ली है और अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी मंत्री विश्वास सारंग ने दिए हैं। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे संवाददाता आकर्ष से। आकर्ष, सवाल यही उठता है कि घटना हो जाने के बाद सरकार की नींद जागती है और प्रशासन हरकत में आता है। हमने देखा है कि बड़ी घटना हुई थी हमीदिया अस्पताल में, उसके बाद विश्वास सारंग पहुंचे निरीक्षण के लिए, क्या कुछ निर्देश उन्होंने दिए वहां पर अधिकारियों को? आकर्ष, मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? तकनीकी खराबी के चलते आकर्ष से हमारा संपर्क टूटा है, हम फिर से कोशिश करेंगे आकर्ष से संपर्क करने की। तस्वीरें आप देख रहे हैं हमीदिया अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। यहां पर पूरे अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया है। जो घटना थी, 3 मरीजों की मौत हो गई थी बिजली गुल होने से, उस घटना से अब प्रशासन में हड़कंप है और कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में विपक्ष ने सरकार को ला दिया है। उसके बाद अब सरकार हरकत में आई है, प्रशासन नींद से जागा।